अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रूट करने का तरीका बताऊंगा। तो आपको मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे गूगल में जाने के बाद के तमाम मोबाइलों को रूट करने की वेबसाइट है, रूट होती है ऑटो रूट डॉट चैन फायर डॉट ई, इसकी वेबसाइट है। ये हमने वेबसाइट ओपन कर ली। अब जो भी हमारे पास मॉडल है जिसका हमें रूट करना है, तो इसे सबके यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन लिखे हुए हैं। रूट करने के भी एंड्रॉयड वर्जन की फाइलें होती हैं, तो उनके एंड्रॉयड वर्जन लिखे हुए। अब हमें कौन सा मोबाइल जो हमारे पास है उसको सर्च करना है, तो हम कंट्रोल एफ दबाएँगे और यहाँ पर लिख देंगे J500F। ये हमने सर्च कर लिया J500F। तो ये लिखा हुआ है J500F। इसके बाद हम उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे ये ऑटो रूट की फाइल को। तो हम यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये J500F हमारे पास फाइल आ गई। तो ये हमारे पास भी डाउनलोड पे लग गई फाइल। जब ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, तो हम इसको शो इन फोल्डर करके यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट टू करेंगे, एक्सट्रैक्ट एयर करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी। तो अब हमें सेट को लगाना है, डाउनलोड मोड पे ला के कनेक्ट कर देना है कंप्यूटर से। हमें इसको डाउनलोड मोड पे कैसे लाना होगा, होम का बटन दबाएंगे, वॉल्यूम डाउन का और पावर का। फिर ऑप्शन आएगा वॉल्यूम डाउन, कैंसिल, रीस्टार्ट और वॉल्यूम अप कंटिन्यू। तो हम वॉल्यूम अप दबा देंगे ताकि ये कंटिन्यू होकर डाउनलोड मोड पे आ जाए। मैं इसको आपको डाउनलोड मोड पे ला के दिखा रहा हूँ। ये होम का बटन दबाएंगे, वॉल्यूम डाउन का और पावर का बटन आप दबाएंगे। होम वॉल्यूम डाउन आ रहा है, एंड में पावर का बटन आप दबाएंगे, ये आ गया। ये देख सकते हैं आप, वॉल्यूम अप दबा देंगे कंटिन्यू, ये हमारा फ्लैश मोड पे आ गया सेट। सही है। इसके बाद हम लैपटॉप पे चलकर देखते हैं कि ये रूट किस तरीके से होगा फ्लैश मोड। तो जैसे आपने देखा कि डाउनलोड मोड पे जाने का तरीका मैंने आपको बताया, तो अब हम इसको ओपन कर देंगे और इसके साथ ओडियन भी साथ में आता है। तो हमने ओडियन ओपन किया, इसके बाद हम एपी के अंदर फाइल सेलेक्ट करेंगे। ये देखो फॉर्म और एडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब सेट कनेक्ट है। J500F की हमने फाइल सेलेक्ट कर ली। फाइल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हमने फाइल सेलेक्ट कर दी है, तो हम इसके बाद इसको स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने स्टार्ट कर दी, ये रूट होना शुरू हो गया। बस ये हो गया हमारे पास रूट कंप्लीट। तो देखा आपने कितना आसान तरीका था उसको रूट करने का सैमसंग को। ये हमने इजीली यहाँ से सैमसंग के मोबाइल को रूट कर लिया। ये हमारा रूट डन हो चुका है दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई और वेबसाइट से या कहीं और से हम फाइल डाउनलोड करना चाहें रूट की, तो किस तरह कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर J500F रूट जो भी मॉडल है उसकी रूट फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अगर हम यहाँ से नहीं करना चाहें, तो हम किंगो रूट की एप्लीकेशन से भी रूट कर सकते हैं। किंगो रूट की एप्लीकेशन हम डाउनलोड करेंगे गूगल से, और वहाँ से हम रूट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और ये इसी फाइल भी कर सकते हैं फॉर पीसी। फाइलिपो.com से भी कर सकते हैं, इसकी अपनी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। दोस्तों रूट क्यों किया जाता है, ताकि हमें कंट्री अनलॉक अगर करना हो सेट का, तो उससे पहले हमें रूट करना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से ये फाइल डाउनलोड होगी, किंगो रूट की एप्लीकेशन कंप्यूटर की, और इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे हम इसको। रूट करने का तरीका आसान है, मोबाइल ऑन करके लगाएंगे, USB डबिंग ऑन करेंगे,
अबाउट सेक्शन में जाके बिल्ड नंबर 7 दबा के लिख करके आप एडिबल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ जाके आप यूएसबी डबिंग को ऑन कर लें तो एडीबी ऑन हो जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर से कनेक्ट करके किंगो रूटर का एप्लीकेशन ऑन करके आप उससे रूट कर सकते हैं सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।